हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास ये गेम्स में, ये ऐप्स में ये एरर आ रहा है तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर ये ऐप्स जो है शो हो जाएगा, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको राइट क्लिक कर यहाँ पर एंड टास्क के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐप्स जो है क्लोज हो गया है, तो आप यहाँ पर से इसको बैकग्राउंड में से भी रिमूव कर सकते हैं। इसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पर एंड टास्क के ऊपर क्लिक कीजिए इस तरीके से। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, इस विंडो को क्लोज कर देना है। फिर आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सी ड्राइव ओपन कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर प्रोग्राम फाइल में आना है, फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ईए गेम्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईए गेम्स का फोल्डर शो हो गया है, तो आप जो है यहाँ पर इस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कर आप इस फोल्डर को जो है डिलीट कीजिए। तो मैं यहाँ पर से इसको डिलीट कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है, फिर आपको रन कमांड ओपन करना है। शॉर्टकट की का आप यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको आर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर इस तरीके से टाइप कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहां पर फाइंड आउट करना है ईए गेम्स का फोल्डर आपको शो होने के बाद। उसके बाद आपको ईए गेम्स का फोल्डर सेलेक्ट करना है, फिर आपको उसको भी राइट क्लिक कर डिलीट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो फोल्डर्स जो है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए, फिर आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।